तो रात के बज रहे हैं 10:30, हम लोग आए हुए हैं कैफेटेरिया में चाय का मजा लेने के लिए। अनिकेत भाई हमारे साथ में चाय पीते हुए कैफेटेरिया में गलगुटियास के, और ये मेरे को ला कर दे, और ये हमारे कैमरामैन आकाश भाई, हाय गाइस, चाय बिस्किट के, और ये रहे भैया, यहाँ से चाय आ रही, वो एक नंबर चाय आती है, सबसे बढ़िया चाय कैफेटेरिया में इधर मिल जाएगी आपको। ये स्विस मैगी पॉइंट है, इसके बगल में जो दुकान है यहाँ पे, तो हम चाय का थोड़ा मजा ले लें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी हमारे साथ बॉन्ड फायर का मजा लेते हुए अभी आकाश मारेगा, आकाश मारेगा, तू मारेगा इसे मेरे सामने, तो एनिमल हैरेसमेंट करेगा, उसको मत मारो। चौबीस घंटे में आप कभी भी आ जाओ, आपको एक नंबर चाय मिलेगी, रात में भी आप आ जाओ, ये 24/7 खुली रहती है। ये रहा हमारा स्विस मैगी पॉइंट, जस्ट बगल में दुकान है, एक नंबर चाय, बाकी तो आपको और भी सामान मिल जाएगा खाने को, बट यहाँ की चाय एक नंबर होती है। तो आगे आपको मैं कैफेटेरिया दिखा दूँ रात का व्यू। तो ये है हमारा गलगोटियास का कैंपस, इधर PR लाइफ फूड, वैसे खाने से हताश होकर के देन आते हैं इधर खाना खाने के लिए, फिर हम अपना पेमेंट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लोग देखो अभी तक चाय की चुस्की चल रही है इनकी, दिखाता हूँ, हो गया, चल रहा है कि कब तक चाय पिएगा, चाय नहीं खत्म हो रहा, खत्म कर ले चाय, मेरी खत्म हो गई, ऊपर से मेरा तो खत्म। अनिकेत भाई गर्लफ्रेंड से बिजी, नहीं घर पे बात कर, मम्मी से बात कर रहा है, चल चल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा खाना मिल जाएगा कि मतलब काम चला हो, मतलब आप पेट भर सकते हो, जस्ट जिंदा रहने के लिए खाना खाना है तो वैसा खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अभी कल तो मैं बाल कटा के आया हूँ, तो पास में अगर मतलब आपको बढ़िया बाल बाल कटाना है तो मैं गया था परी चौक, वहाँ पे एक दुकान मिली थी, एक मॉल है उसके जस्ट बगल में, वो भी ठीक ठाक उसने कटा था, अच्छा नहीं था, अराउंड 110 रुपये लिए थे बाल के, ठीक था, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला। फिर भाई हमारा ये क्या आकाश, तो उसने बताया जगत चल रहा है, तो इस कल हम जगत गए थे, वहाँ से कटा के आए, बाल तो लौंडे ने सही काटे हैं, उसने लिए 150। जगत में आपको जो रेड टेप का शोरूम है उसके थोड़ा पहले ही दुकान है, नेक्स्ट टाइम अगर जाऊँगा कटाने के लिए तो आपको दिखा दूँगा। अब जाके इन सब की चाय खत्म हुई है, मतलब इतना लेट पी रहे थे, पैसे इतने लगे, चाय के पैसे देते नहीं बन आराम से। तो भाई आप लोग हॉस्टल खाना खाने के बाद यहाँ पे क्यों आ रहे हो, रिव्यू दो, हॉस्टल खाना कैसा है? हॉस्टल का खाना इतना बेकार है कि जीव का हॉस्टल मत लीजिएगा। भाई ये रियलिटी बता रहे हैं। आकाश भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट मतलब कब देंगे बढ़िया? जब आप नया नया आएंगे स्टार्टिंग में तो आपको खाना अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद खाना भी अगर अगस्त में आ रहा हो अगस्त दे देगा अच्छा, जुलाई भी अच्छा दे देगा, जुलाई भी जो आया। इसका पैसा नहीं देना है इसलिए, किसका पैसा नहीं देना है, तो आपको मतलब ये जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं भाई हम, कि यहाँ पे आपको खाना ऐसा मिलेगा कि मतलब जस्ट पेट भर सकते हैं। क्या हो रहा है, ट्रीट दे रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, चल चल रहे हैं, आ जा। तो ये हमारा सीक्रेट एरिया है, यहाँ पर से आप कभी भी जा सकते हैं, भीड़ भाड़ हो या फिर आपको चोरी छुप के जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं आराम से। तो ये हमारा सी ब्लॉक, रात का सीन, वाइड एंगल में, वाइड एंगल में तो नहीं हो रहा, वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है वहाँ का, वाइड एंगल में बहुत फटी फटी वीडियो आ रही है। हाँ तो हॉस्टल के बारे में क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल खाना बहुत ही बेकार है, ऐसे हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल तो सही है, हॉस्टल सही है, आप हॉस्टल में रह सकते हैं बट आपको दिक्कत इसमें होगी, एंड में खाने में दिक्कत होगी। ये हमारा सी ब्लॉक रात का सीन, खाने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चोरी चल रही है, और क्या हाल है, बढ़िया। तो ये हमारा हॉस्टल, आकाश तेरा फ्लोर कौन सा है? सेवन फ्लोर। आपको आज हॉस्टल का दिखाता हूँ रात का सीन क्या है। इधर काम चल रहा है सी ब्लॉक में, नाली खोदी जा रही है तुषार भाई के लिए, ताकि वो यहाँ पे बिहारी को गिरा सके। तो ये है गलगुटिया का छोटा सा स्टेज, लेकिन हाँ इसके रफ्तार ने रफ्तार ने अपनी परफॉर्मेंस करी थी यहीं पर, ये इतने छोटे से ग्राउंड में। गिल्लू गिल्लू तो भी आया था, ये सब मत बोल, व्लॉग को तू खराब कर रहा है,
तो हम लोग चल रहे हैं अपने रूम पे, थोड़ा आराम आराम किया जाए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उसके अंदर। पूल खेल रहे हैं? चलो चलो पूल खेल रहे हैं। पूल का रूम बंद है, बिलियार्ड्स वाला खुला होगा, तो बिलियार्ड्स रूम में चल रहे हैं अगर हमें चाबी मिल गई तो। कब से एग्जाम है? 18 से हमारे ये चल रहा है। ये डिवाइड है, चारों सब्जेक्ट में डिवाइड है। भाई बहुत बड़ी बात ही है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए मोस्टली है। इधर से नहीं चलो, इधर बंद है। क्या हाल है भाई? बढ़िया। चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल के बाहर का सीन है ये। रात में सब एकदम खाली है, बहुत ठंडा हो रहा है आज तो। फिर भी ठंड बहुत कम है, नहीं डेली बहुत ज़्यादा कोहरा होता है डेली। काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, रुक जाओ। तो अभी यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डालनी पड़ती है। आकाश भाई हम भी लगा देते हैं अपनी, मेरे को नहीं ले रहा। भैया बैठे मेरा हमारे, क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, रात भर ड्यूटी यहीं पर करते हैं, देख सकते हैं। और ये हमारा जिम है, रात का सीन, पूरी जिम खाली है। आपको दिखा देता हूँ, ये विंग मशीन है। और अगर बोले कि मतलब स्टूडेंट्स के बेसिस से जिम बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा, ये रहा जिम। प्रेस, एक बेंच मिल जाएगी आपको यहाँ, इसमें तो मशीन नहीं मिलेगी, बट स्क्वाट्स के लिए रैक मिल जाएगी होल्ड करने के लिए, ये डिक्लाइन वाली। और आपको एक और बेंच मिल जाएगी इनक्लाइन, और यहाँ पर एक और बेंच। चेस्ट के लिए मोस्टली सारे आपको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। ये हमारी लेग प्रेस मशीन। तो अगर बोले स्टूडेंट्स के लिए जिम बहुत मतलब कि सेटिस्फाइड है, इतनी जिम है, सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे आपको। पंचिंग बैग चल रहा है, बस साइकिलिंग। अब खाना खाने के बाद जिम हो रहा है। ये टूटी हुई है गद्दी, रात को जिम करते हुए। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी लैट्स पुल डाउन, एक लैट पुल डाउन किए। और एक ये मशीन है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो जिम एकदम परफेक्ट है, मतलब कि आप सारे पार्ट के लिए आराम से, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आराम से आप आइए। फर्स्ट ईयर मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि फर्स्ट ईयर यहीं पर ही हॉस्टल में बिताइए। तो सेकेंड ईयर से आप फ्लैट ले सकते हैं, आसपास फ्लैट लेने के लिए दो तीन जगह हैं, मतलब निम्बस हो गया और गौर यमुना सिटी, आप इन दोनों जगह प्रीफर कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो परसों से हमारा एग्ज़ाम है, आज तो मेरा जिम मिस हो गया, कल भी नहीं जा पाऊँगा, कल से फिर मतलब कि थोड़ा पढ़ना आया हूँ। उनको परेशानी हो रही है बहुत, क्या दिक्कत हो रही है, क्या कह रहे हैं? तो ये भाई हमारे जिम दे शौकीन, हैवी वेट मार दे। उधर एक साइकिल टूट गई, अनिकेत भाई ने ताकत लगा दी। ये क्या दिखा रहा है आकाश, तू कुछ दिख रहा है? ये कौन सा कट कटवा गया है? अब तो आ गया वीडियो में, कटेगा भी नहीं। चलो अब चल रहे हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा मोटिवेशन, हनुमान जी महाराज मेन। और इसका व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हॉस्टल रूम, हॉस्टल टूर वगैरह बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम शो कर दिखा देंगे। अभी रात में अगर पूल रूम खुला होगा तो वहाँ का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। वेट, तेरा वेट कितना है? 80 किलो होगा तेरा तो, 75। तो 75 किलो का है मेरा, कितना हो रहा है? कितना दिखा रहा है? 77। अभी तक तो 80 था। यहाँ डंबल्स आपको दिखा दूँ, कौन कौन से डंबल मिल जाते हैं यहाँ पे। 10 का मिल जाएगा और 8.5 का है, 10 के दो डंबल हैं दो सेट से, 17.5 का एक है और 20 का मिल जाएगा। डंबल्स की कमी पड़ जाती है, बात यह है कि कितना फ़ोटो शूट करेगा। चल रहे अब, चल रहे क्या जिम बंद करने का टाइम, बस व्लॉग बना रहे थे। चलो भाई आ गया व्लॉग में, आ जा, हाइड एंड सीख दे मेरे को एक।
वेंडिंग मशीन, कॉफी मशीन सब गायब हो गई भाई, गलगोटी आए। ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट डी ब्लॉक। सब खेल रहे हैं यहाँ पे। ये हॉस्टल अंदर से कहाँ चल रहे हैं ब्लॉग में देखेंगे तो कहेंगे कितना अच्छा सिनेरियो भाई। ये हम जो हमको लग रहा था वही है। अरे चलो बिस्किट नहीं देना, ऊपर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, कुछ नहीं खाया। किसे बिस्किट देना है? लिफ्ट दिखा देता हूँ आप लोग को, पुरानी लिफ्ट है ये। अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे। एक ये लिफ्ट है जो कि 8th-9th floor की आती है, और एक ये लिफ्ट गरीबों की सारे फ्लोर जाती है। ये तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बोल दो। बाय बाय। बाय बोल दे। बाय बाय।